ओ भाई देखिए साहब, देखिए भाई साहब अरे का, यार यहाँ पे कुछ हुआ है। देखिए ये भूत ओ भाई साहब, भूत का ये भाई साहब, ये मुरादाबाद जंक्शन पे, मुरादाबाद जंक्शन पे है। हाँ भाई, ये भूत का असर आ गया है तो ओ भाई साहब देख लीजिए। और जैसे ही ट्रेन आके लग जाती है और भाई जो उसमें सात घंटा लेट है, सात घंटा पूरा लेट है भाई साहब। अरे सीट कहाँ से दिलवाते भैया, हम तो भी खुद कैसे कैसे बैठे। सो हे गाइस, वेलकम है आप सबका फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज हम सफ़र कर रहे हैं आनंद विहार टर्मिनल से लेकर दानापुर का, जो कि जनसाधारण से सफ़र करने वाले हैं, जो कि पूरा जनरल डब्बा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये पूरा आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। अच्छा। ये खाली रहने का ये मतलब नहीं कि भाई साहब कोई बैठा नहीं है भाई। अच्छा। कोई है नहीं भाई, सारे लोग बैठ चुके हैं। और आपको हम बता दें कि ये जनरल डब्बा है जनसाधारण का, पूरा जनसाधारण का जनरल डब्बा है। और भाई साहब यहाँ पे 12:30 बजते ही ट्रेन आके लग जाती है और भाई जो उसमें कर लो पहले कम दुखी, वो भी आपको हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि भाई अभी तुरंत बैठे हैं। अभी भाई जगह वगैरह वो सीट को क्या बोलते हैं उसको, कैप्चर करके रखे, वो आप लोग जानते हैं ना। यहाँ वो चढ़ते के समय अगर वीडियो बनाते ना तो चलो हम वीडियो ही बनाते रह जाते और खुद बैठ भी नहीं पाते। देख सकते हैं सारे में लोग बैठे हुए भाई, थोड़ा भी जगह नहीं बचा हुआ। और इसका टाइमिंग है यहाँ से खुलने का 1:30 बजे का टाइमिंग है, 1:35 पे खुलने का। और अभी कुछ दिन से ऐसे भी ये लेट ही चल रहा है, 4:00 और 5:00 यहाँ से ट्रेन ही खुलती है। तो चलिए अभी देखते हैं कैसा सफ़र जाता है कैसा नहीं। और यही है अपना, अभी पूरा जगह वगह तो रखे हुए और अभी भी लोग आ रहे हैं भाई, क्योंकि भाई ट्रेन का तो समय है 1:35 पे और अभी भाई साहब अभी 1 ही बजा है और ट्रेन यहाँ पे 12:30 तक आ ही जाती है। देख सकते हैं पूरा में भीड़, सभी लोग आ चुके हैं भाई। इधर देख लीजिए अभी से ही लोग खड़े होने लगे हैं, क्या बात है। और बस यही है सफ़र, यही अभी दिखाते हैं आगे कैसा चलता है सफ़र, इधर देख लीजिए। और हाँ आपको हम बता दें ये जनसाधारण का है, 4 नंबर पे ही हमेशा रोज 4 नंबर पे ही ये लगती है और 4 नंबर से ही खुलती है और ये दानापुर को जाती है, आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। तो चलिए अभी सफ़र का एंजॉय करते हैं, देखते हैं कैसा सफ़र करता है। और सभी लोग बस इसमें, क्या आपको सीट मिला कि नहीं भैया? को अभी सीट नहीं मिला है, यही होता है भाई, टाइम से अगर पहले आ जाओगे तो भाई सीट मिलेगा। हाँ अरे सीट कहाँ से दिलवा दे भैया, हम तो अभी खुद कैसे कैसे बैठे हैं। ओ भाई तो ब्लॉग बना रहे तो अभी हमको कोई बैठने देगा क्या? वो तो क्या बताइए आपकी अरे नहीं भैया नहीं ऐसा नहीं है ना। चलिए अभी दिखाते हैं और भैया को भी सीट नहीं मिला है, हम अपना भी देख ले रहे हैं तो पता चले कि वो भी सीट खोल के बैठ गया है। चलिए अभी देख लीजिए, इधर देख सकते हैं पूरा चारों तरफ लोग भाई साहब बड़े पड़े हैं। इधर दादी जी हमारी बैठी हुई हमारी सीट पे, ये एक हमारा इधर बैग और इधर इधर पानी वानी सारे लोग बेच रहे हैं। चलिए अभी बैठते हैं अब थोड़ा देर में, अभी तो टाइम है खुलने का। अभी एक झोला को भी फिर से उठा के रखते हैं, अभी यहाँ से हटने का मतलब है झोला हटा के रखो फिर बैठो, क्योंकि अभी हम अगर झोला भी नहीं रखेंगे ना तो फिर पता चलेगा कोई ना कोई बैठ जाएगा, तो फिर वो भी दिक्कत है कि नहीं। तो चलिए अभी दिखाते हैं आगे का दिखाएंगे फिर। 1 hour later भाई 2:45 हो गया भाई, 1:45 अभी तक ट्रेन नहीं खुली है, अभी देखते हैं कब तक ट्रेन खुलती है। और इधर हाँ वही लेट है, पूरा लेट है। और इधर ये चार्जर वार्जर लेकर अपना सब बेचने बेचने आए हुए हैं, चार्जर समोसा भाई सब कुछ बिकता है यहाँ, क्या नहीं मिलता है ट्रेन में, चार्जर समोसा सब कुछ, डाटा केबल। चलिए अभी दिखाते हैं आगे, अब जब ट्रेन खुलेगी तभी बात करेंगे, अभी अभी कुछ बोलने से कुछ है नहीं, अभी थक गए हैं भाई, अभी पूरा पसीना पसीना। हाँ दादी दानापुर, हाँ 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 दादी पूछ रही हैं कहाँ जाना है, सामने बैठी हुई है, बोले भाई दानापुर जाना है। चलिए अभी देखते हैं, हाँ 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 सभी लोग अभी से ही भाई साहब खड़े खड़े होकर जाने लगे भाई, ट्रेन में जगह नहीं बचती है भाई, थोड़ी भी जगह नहीं बचती है, ट्रेन चालू होते होते भाई थोड़ी भी जगह, इसमें एक चींटी भी चढ़ने का जगह नहीं बचेगा। अभी देखना आप जब चालू हो जाएगा तब फिर आपको हम दिखाएंगे, थोड़ा भी जगह नहीं बचेगा। वो तो कैसे कैसे स्टार्टिंग में आए हैं वैसे ही सीट मिल गया, सीट मिला क्या भाई, वही धक्का मुक्की करके सीट मिलता है, यही होता है जनरल का यही हाल है, धक्का वक्का करो तभी सीट मिलेगा, बाद बाकी तो थोड़ा वैसे पड़े तो भाई धक्का में तुम कहाँ से कहाँ जाओगे कोई वो पता नहीं है। 1 hour later भाई साहब फाइनली हमारी गाड़ी भाई खुल गई है आनंद विहार से भाई,
और अभी पूरा भाई 3:10 लेट है तब खुली है, ये देख लो 3:10 लेट तब खुली है। अभी चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ पे अब ये रुकेगी। अभी सफर कैसा है ये सफर, और देखिए अंदर का हाल अभी दिखाती है, चारों तरफ सभी लोग बढ़ गए भाई, गाड़ी पूरा भर जाती है भाई। जो शुरू में आए वो लोग बैठे नहीं, तो ये ऐसे बैठ के जाना पड़ता है, इधर तो हम भाई ऐसे बैठे हुए हैं। चारों साइड सभी लोग भाई अपने अपने फ़ोन में बिजी, कोई चार्ज लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देख सकते हो। हो हो, अबे यार अब क्यों स्लो कर दिया, फिर स्लो किया तुम भाई साहब। अभी अभी हमारा ट्रेन भाई साहब डाइवर्ट हो चुका है, अभी ये देखिए देखिए टपड़ी जंक्शन भाई, ये क्या रूट में चला रहा है भाई, ट्रेन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हैं 6:30 हो गया भाई, अभी तक मुरादाबाद नहीं पहुँचे हैं। ये देखिए टपड़ी जंक्शन भाई, टपड़ी चाय की टपड़ी सुने थे, आज टपड़ी जंक्शन भी देख लिए, क्या आप इसे पहले देखे थे कि नहीं? ओ भाई, और देखिए टपड़ी जंक्शन में भाई खाली है भाई, आज का सही में दिन खराब है भाई, आज का दिन खराब है। और ये बैलगाड़ी, इससे अच्छा तो भाई बैलगाड़ी से अभी बैठ के निकलते, कितना अच्छा आनंद विहार से ना अभी पहुंच जाते हैं, वो दानापुर भी पहुंच जाते, नहीं पहुंच जाते। चलो भैया अभी बैठते हैं भाई, अभी थक गए, अभी देखते हैं अभी सीट पे। और देखिए सभी का हालत भाई ख़राब हो रखा है यार, क्यों नहीं होगा ये हमारे जगह पर कोई बैठे हुए भैया, अभी बस थोड़ा बैठ गए, ये अभी हटे हुए थे तो ये बैठ गए हैं, अभी यहाँ पर हमको बैठना पड़ेगा क्योंकि हम थके हुए हैं, थोड़ा हट जाइए। हो भाई साहब ओ बैठ गए हैं अब खाने, अब इधर खाना खाना, लेकिन खाना भाई लाए हैं, खा भी लिए अभी, और रात के लिए भी बचा हुआ है, अब ज़्यादा इधर का ऑर्डर नहीं करना है अभी तो। यार सही में क्या हो गया अबे, आज का दिन सही में खराब है। चलो अब दिखाते हैं, डायरेक्ट मुरादाबाद में पहुँचेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे कि पहुँच गए, कितना बजे पहुँचे, अभी तक तो पहुँचे नहीं, और वैसे भी बहुत लेट है, 6:30 हो गया, अभी तक मुरादाबाद नहीं पहुँचे। चलिए मिलते हैं आगे। हाँ तो भाई साहब फिर रात हो गई और सारे लोग अलट पलट कर सोए हुए थे, जैसे ही हम कैमरा निकाले सामने देखे कि बच्चे हम ही पर देख के हंस रहे थे, हमने भी स्माइल किया और फिर बच्चे के इधर कैमरा घुमाया, बच्चे भी देखकर फिर से खुश हो गए। और फिर मैंने बच्चे से पूछा कि आ रहा है, मेरा आ रहा है, फिर इतने में बच्चों ने जवाब दिया हाँ हाँ आ रहा है, फिर क्या था, फिर मैंने भी बच्चों की तरफ कैमरा करके और बच्चों का एक फ़ोटो लेने के लिए बोला कि चलो मैं फ़ोटो क्लिक कर दे रहा हूँ, इतने में बच्चे खुश और ये बच्चे डांस भी करने लगे, ये देख। ओ भाई साहब तो फाइनली भाई अभी मुरादाबाद जंक्शन पे पहुँचे भाई, ट्रेन पूरी की पूरी भाई साहब 5 घंटे लेट हैं, मुरादाबाद पहुँचाने का समय था पता है कितना, 4 बजे था हैं, और अभी बज रहा है कितना, 11 बज रहा है भाई साहब। ये भाई अभी मुरादाबाद जंक्शन पे ये देखो कुछ और यहाँ पे हो रहा है, यार भूत वूत आ गया है क्या, गया तू कुछ हुआ है क्या, हुआ है बताइए तो, भूत आया है क्या, भूत आया है क्या, भूत आ गया। ओ भाई साहब आइए, ओ भाई साहब यहाँ तो भूत आ गया सर, देखिए अभी जंक्शन पे हम लोग हैं, यहाँ पे कुछ हुआ है, ओ भाई साहब ये भाई साहब ये मुरादाबाद जंक्शन पे, मुरादाबाद जंक्शन पे है। हाँ भाई ये भूत का असर आ गया है तो, ओ भाई साहब देख लीजिए, और भीड़ भी बहुत, और यहाँ पे भीड़, हाँ और ट्रेन भी बहुत ज्यादा, ट्रेन रुकी है भाई, ये क्या हुआ, ये 8 घंटा लेट भी हो गई है उसकी वजह से। हाँ भाई, ओ भाई देखिए भाई साहब, अरे यार, अरे यार भाई साहब ये यहाँ पे ये क्या हो गया है, ये ज्यादा चोट भी आ रहा है, ये कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, भैया साइड हो जाइएगा थोड़ा, और हम लोग का अभी, और अभी हम लोग का ट्रेन भी अभी खुलने वाली है, और अब यही होता है कुछ ना कुछ, आइए देख कुछ ना कुछ होते रहता है, क्या क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ होते रहता है, बहुत सारे ट्रेन के वजह से काफ़ी लेट के वजह से काफ़ी भीड़ भी है। हाँ वही देख रहे हैं, कितना घंटा लेट है बताइए तो, 8 घंटा भाई साहब, 10 घंटे लेट, 10 घंटा भाई साहब, 10 घंटा ट्रेन पूरा लेट है, 10 घंटा हाँ, 7 से 8 घंटा, 7 से 8 घंटा ना, 4:30 में यहाँ का समय था मुरादाबाद का, तो 10:30 बजे, 10:30 की 11 बज रहा है, अरे कितना भी हो मतलब 6-7 घंटा लेट है, 7 घंटा पूरा लेट है भाई साहब देख सकते हैं। और ये इसका यही हाल है, सारे लोग अभी वही बाहर निकल के बैठे हुए, और इधर किसी को भाई साहब भूत भूत आ गया है। ओ भाई साहब तो बस हमारा ट्रेन इधर से मुरादाबाद से भी खुल चुका है भाई,
भाई साहब भूत भूत मिर्गी का दौरा, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, अभी वही दिखाई दिया, यही सब होते रहता है भाई। ट्रेन है, जगह है, दुनिया है, कुछ ना कुछ तो होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये मुरादाबाद जंक्शन पे हमें दिखा भाई, भूत आया हुआ था, सब बोल रहा था ऐसा, थोड़ा सा क्लिप भी वही होगा, आप लोग देखे ही होंगे। तो भाई साहब अब पता नहीं मिर्गी आया था, भूत आया था, क्या आया था, लेकिन सब बोल रहा था भूत आया। चलिए ठीक है, अभी खाना वाना खा के फिर जब मन तब आते हैं। तब तक आप लोग ब्लॉग पे ऐसी बने रखिए, और आप लोग भी बताइए कि आपके साथ कभी इतना लेट हुआ या 6-6 घंटा 7-7 घंटा ट्रेन लेट हुई है क्या आप लोग के साथ भी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोगों के साथ भी अगर 6-6 घंटा 7-7 घंटा ट्रेन लेट हुई है, तो हम भी समझेंगे कि हाँ भाई सबके साथ हुआ है ना, कोई हम मेरे लिए ही स्पेशल हुआ है 6 घंटा 7 घंटा लेट। और इधर भाई सारे लोग, ये भाई एकदम बिछा लिए अपना व्यवस्था, और सारे लोग इधर अपना सो रहे इधर। गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब अभी उठे हैं जस्ट, और अभी भाई साहब लखनऊ से अभी हमारी ट्रेन आगे बढ़ी है भाई, बहुत ट्रेन लेट है, और अभी टाइम हो रहा है अभी सुबह से, अभी बता रहे हैं टाइम हो रहा है भाई साहब अभी सुबह के 5:30 हो रहा है, और देख लीजिए। तो सारे लोग अभी यहाँ से उठ गए हैं, अपन भी भैया उठ गया है, इस साइड का गेट तो लॉक है फिलहाल, खोलने का क्या ज़रूरत है। और इधर चल के अभी देखते हैं इधर क्या, किधर का क्या सीन है, साइड हो जाना, और इधर का ये सीन देखना, ये देखो इधर भी फोन चल रहा है, चारों साइड फोन चल रहा है। ओ भाई साहब अपन इधर चलिए, और इधर इधर बेसिन का हाल देखिए भाई, यही तो है जनरल में यही सब तो होता है, ये भैया इधर सो रहे हैं, चलो यही है। चलिए अब अपने जगह पे चलते हैं, नहीं तो पता चलेगा क्या, अपने जगह पे चलते हैं नहीं तो फिर पता चलेगा क्या कि वो भी जगह कैप्चर हो रखा है ऐसा। और इधर ये अपना सूट, सारे लोग इधर के भी उठ चुके, वो भाई साहब अभी सो रहे हैं, और इधर अभी अपना जाना ही है, जाइए बाबा जाइए जाइए। इधर आते और इस साइड का दिखाते, इस साइड का बेसिन का हाल दिखाते, बेसिन का हाल दिखाते, ये तो जनरल अभी अंदर का हाल तो इसका हाल तो दिखा नहीं सकते, इसका हाल इतना ख़राब है ना भाई, इतना ख़राब है कि मत ही पूछो, नाक बंद करके जाना पड़ता है और नाक बंद करके आना पड़ता है। बेसन काल और काल नहीं दिखा सकते, इसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। 9:45 हो गया है भाई अभी, और अभी वाराणसी जंक्शन पे पहुँचे अभी जस्ट, देख सकते हैं अभी ये वाराणसी जंक्शन पे, और इधर ये अपना 9:45 हो चुका है, और भाई भीड़ तो वही है, 70 रुपये ये देखिए, 120 रुपये का अमरुद है और 70 रुपये का केला है, इधर का ये देखो, यही है वाराणसी भैया जंक्शन 8:46 भाई साहब, ये देख सकते हैं 9:45 हो चुका है। कैसे केले भाई, केले कैसे 70 के दर्जन, ठीक है। अपन अभी पहले पानी अकलेगा, क्योंकि पानी लेना ज़रूरी है। इधर से भी खुल गई अभी, बस 5 मिनट इधर रुकी ट्रेन, और फिर इधर से भी भाई खुल गई, ये देखें अपने अपने, ये देखो लड़ाई भी हो रही है भाई जंक्शन पे, लड़ाई भी। चलो भैया अभी जाके अब अपन बैठता है, क्योंकि भाई ज़्यादा अभी बाहर नहीं रहने का, भाई रात भर सो नहीं पाए, बोल तो दिए थे जा रहे हैं सोने, लेकिन सो नहीं पाए थे भाई, जनरल में सोने का कहाँ से हो पाए, वो भी सिंगल वाले वो जगह पे, नहीं सिंगल वाले सीट पे तो और नहीं सो सकते हो भाई, अगर वो भी थोड़ा सिंगल वाले पे क्या, ऐसे भी किसी पे नहीं सो सकते हो, जनरल में जा रहे हो भाई सोने का नहीं, वो सोना है तो बस वैसे नीचे बिछा लो सबके जैसे चादर वादर, तब सो सकते हो, ऐसे नहीं भाई, और सोचना भी गलत है जनरल में सोने का। ये देखो अभी ये लोग भाई ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और इधर ये पानी भी बर्बाद भाई, जल जीवन नहीं है, यही होता है भाई, हर जगह पानी बर्बाद होते हैं, क्या ही कर सकते भाई, अभी उतर के बंद नहीं कर सकते, और उधर वाले लोग के पास इतना अकल होगा नहीं कि भाई बंद कर दे, है कि नहीं, कितनों को भाई सुधार सकते हैं भाई, उतनी किसी की औकात नहीं है भाई सबको सुधारने की, भाई मोदी जी तो सुधार ही नहीं पा रहे भाई। हम क्या सुधारें, चलो भाई
अभी जाते हैं बैठते हैं। ओ भाई केला कैसे दिए? ओ भाई केले कैसे? 20 रुपये दर्जन। अभी देख लो भाई साहब 70 रुपये दर्जन, लेकिन अभी उसको भी पता है कि ट्रेन चल रहा है, अभी ये लेगा नहीं। हाँ 20 रुपये दर्जन अभी दे रहा है। ओ भाई साहब अभी ये गंगा जी के पास आ गई है, देखो आप लोग भी देखो वाराणसी का ये गंगा जी है। इधर इधर घाट है, इधर कुछ घाट है और सब घाट तो उस साइड है, ये इस साइड से घाट दिख रहा है, इधर तो कम घाट है, इधर घाट ही नहीं है भाई, इधर घाट ही नहीं, उधर है एक दो घाट, वो हाँ वो रहा उधर घाट है, वो जो दिख रहा है उधर घाट है, एक एक दो घाट है इधर, और इधर तो खाली है वैसे। चलिए जय हो गंगा माई। अभी सभी सभी लोग यहाँ से ना पैसा फेंकते हैं, कुछ होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्यों फेंका जाता है पैसा। सभी लोग अभी एक एक दो दो का सिक्का, ये देखिए अभी भी आवाज़ है उस साइड से फेंका गया, सभी लोग फेंकते हैं, चढ़ाते हैं गंगा जी को ऐसा कुछ। और देखिए उधर देखिए वो जो दिखाई दे रहा है वो चुंबक से भी पैसा निकाल रहा है, वो सब यही करता है, ऊपर से सब पैसा फेंकेगा या ऐसे भी पहले जो गंगा जी में नहाने वहाने जाते हैं तो वो लोग पैसा फेंकते हैं और वो लोग ऐसे ही निकालते रहते हैं। ये देखिए सर 1 hour later। तो भाई साहब अभी पंडित दीनदयाल जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, जिसे मुगल सराय जंक्शन भी बोला जाता है, तो अभी वहां पे पहुंच चुके हैं। और देखिए हमारे साइड में टीटी भी आके भाई साहब इधर ये चेक वेक करने लगे हैं। तो अभी इधर हम लोग पहुँचे हैं, कितना बजे पहुँचे हम लोग यहाँ? 9:35 हो रहा है और हम लोग 9:35 पे पंडित दीनदयाल जंक्शन पहुँचे हैं। अभी दिखाते हैं और इसका भी लगता है कि वो हो गया खुलने का, देख सकते हैं इधर चारों तरफ चेकिंग वेकिंग हो रहा है, इधर भी हो रहा है पीछे भी हो रहा है, लगता है अपना भी होगा, अपने पास तो है टिकट, ऐसे क्या दिक्कत है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो लोग भाई कितने लोग अभी उतर के बाहर ही जाने लगे थे, जिसके पास नहीं है वो तो जाएगा ही, तो इधर फाइन वाइन देने से बचने के लिए भाई उधर जा रहा है। ट्रेन खुल चुकी है पंडित दीनदयाल जंक्शन से भाई, 9:45 खुली है ट्रेन। और देखिए इधर, और ये हमारे भाई एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इधर बस हम मिक्सचर खा रहे थोड़ा, और इधर एक पानी अभी लिए, तो बस यही है। भाई को भी ऑफर किए थे, भाई अभी मुंह में गुटखा रखे हुए इसलिए भाई नहीं खा रहे हैं। और अभी लगभग ट्रेन में से सारे लोग उतर ही गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे उतरे हैं। अभी उधर दिखा दीजिए, दिखाइए पूरा लोग अभी खाली, सारे लोग अभी खाली हो गए हैं। ये देखिए यही चढ़ने के लिए भाई यहाँ पे मार हो रहा था अभी वही आनंद विहार में, अभी बताइए सारे लोग खाली पे खाली सो सो के जा रहे हैं, अभी सीट वैसे ही खाली बचा हुआ है। तो बस यही है, यहाँ से निकल गया है। अच्छा हाँ इधर दादी हमारी खा रही है, ये दूसरी बार खा रही है, ये दूसरी बार खा रही है, एक बार सुबह सुबह भी खा ली है, अभी दूसरी बार भी खा रही है। यहाँ पे 10 मिनट भाई साहब अभी ट्रेन रुकी है, अक्सर अभी पहुँच गए हैं, और यहाँ पे बस 2 मिनट का स्टॉपेज था और बस अभी यहाँ से भी गाड़ी खुल गई है, निकल गई इधर से। और ये अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पानी लिया था, पानी के बारे में अभी बताते हैं भाई। यहाँ से अगर पानी आप लोग लेते हो तो यार मत ही लेना यार, पहली बात तो वो खुला हुआ डब्बा में पानी भर के देता है और पैसा उतना ही लेगा 20, और ट्रेन का भी हाल वही है भाई, ट्रेन में भी अगर पानी देगा तो 15 वाला 20 में, अभी भाई कितना भी बोल लो तभी जब दे सकता है, 5 रुपये फिर लौटाएगा, नहीं तो बस वही है। यहाँ पे एक भाई मेरा ये देखो चैनल को भाई सब्सक्राइब किया है अभी, क्या बात है। कहा दादी? हाँ साहब खींच ले, पूरा डब्बा खाली, एक छोटी सी बच्ची सो रही है, ये भैया इधर फोन पे लगे हुए हैं, और उधर दादी, अभी पता है दादी क्या बोल रही थी, पूरा ट्रेन का ले ली हा? हाँ बोले हाँ पूरा ट्रेन का ले लेंगे, आपका भी ले लेंगे। वीडियो के बारे में बोल रही थी, यही है ऊपर ये जो भाई है ये देखो, ये भाई अभी चैनल पूछा है, चैनल पता है भाई सब्सक्राइब किया है। ये आप लोग भी अगर नए हैं अभी नए देख रहे तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, अच्छा व्लॉग नहीं लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता तो अभी अच्छा है और लगेगा, अभी और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब आरा जंक्शन पे भाई ये देख लो 12 बजे, पूरा 12 बजे भाई आरा जंक्शन पे भाई रुकी, थोड़ा देर रुकी भाई ट्रेन, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं है, फिर बस ये आरा जंक्शन से भाई अभी हमारी फिर ट्रेन खुल चुकी है, और अभी पूरा 12 बजे भाई साहब अभी जाना पूरा, अभी पहुँचते अभी वही 12:30 एक बज ही जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जा भाई यार, अब क्यों रोक रहा है। तो भाई साहब बस अब ट्रेन पर से उतर गए हैं और पहुंच चुके हैं भाई साहब दानापुर जंक्शन पे, चलिए तो बस हाँ, और ये सारे लोग उतर गए, सबसे लास्ट स्टॉपेज वही था, यही था दानापुर का ही क्या? हाँ चलिए मुँह धो लेते, तो बस अभी यही मुँह धो लेते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं इधर से। और सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को ये बता रहे हैं
कि भाई साहब दानापुर अगर से अगर दानापुर आते हैं अगर आप लोग वही जनसाधारण से, भाई साहब इतना हालत ख़राब होगा ना, आप लोग भी आए होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हालत ख़राब हुआ था कैसा नहीं। तो बस यही है। और ट्रेन भाई साहब इतनी लेट भाई साहब मत पूछिए। और इसी में भाई किसी को भूत पकड़ लिया था तो किसी को भाई कुछ। और इसमें पानी का बोतल में भी वही रहता है भाई, 15 का बोतल भाई 20 में देगा। अब वहाँ पे आप थोड़ा झगड़ा करोगे या थोड़ा बोलोगे तभी ध्यान देगा और तभी आपको 5 रुपये रिटर्न करेगा। तो बस यही है आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और शेयर करें। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो बस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए भाई यात्रा को ख़त्म करते हैं, चलते हैं अभी फ्रेश व्रेश होते हैं फिर यहाँ से अपने घर की ओर निकलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस अभी टाइम का याद नहीं था बताने का तो वही बता दिए, 1:05 पे भाई साहब दानापुर उतरे हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।